जाएंगे। जहां से आए हैं वहीं पलटना है। तुम्हें कहाँ जाना है बेटा? जा रहा हूं मैं। अच्छा, फिर तो तुम्हें मोहतात रहना होगा। जंगल में दरिंदे भी हैं और हवा भी खुनक है। गुम न हो जाना यहाँ पर। आपका नाम जान सकता हूँ? अंदलुसिया इब्नुल अरबी। जी भाई। मेरे कंधे का सहारा ले ले। ओह मेरे खुदा। ठीक हो जाओगे। दुआन बमसी लकड़ियां इकट्ठा करो। उसे खून बहुत बह गया है। उठो जरा, सर उठो। अर्तुरुल, क्या हुआ बेटा? जख्मी हो गया है। मैंने कहा था ना कि एहतियात रखना, तुम्हारे इर्द गिर्द हालात अच्छे नहीं है। मेरा सामान लेके आओ, इसका खून बंद करना होगा। तीर का सिरा अंदर रह गया है, उसे निकालना होगा पहले। अल्लाह हमारी मदद करने वाला है। ये कौन है? ठीक हो जाओगे। बिस्मिल्लाह। या अल्लाह खैर। क्या लगता है ठीक हो जाएगा ना? बमसी मुंह बंद रखो अपना। इत्मीनान रखें, अल्लाह इसे बहुत जल्द शिफा अता फरमाएगा। मैं आपके भाई रुकनुद्दीन की फौज में था। तो ये है हमारी रुदात। हम सालों पहले अंदलुस से निकले थे, फिर वापस नहीं लौटे। क्या वजह थी कि आप वापस नहीं गए? एक ख्वाब की ताबीर की तलाश ने हमें सालों के लिए मुसाफिर बना दिया। अंदलुसिया क्या किसी खानदान का नाम है? तुमने क्या कभी अंदलुस के बारे में नहीं सुना? मैंने तो नहीं सुना। अच्छा, तो इसका मतलब है मेरा अंदाजा ठीक निकला। तुम्हारे सर में दिमाग नहीं बल्कि भूस भरा है। आग क्यों नहीं लग जाती इस भूस में? बकवास मत करो। किस मकसद से हलब जा रहे हो? अमीर अल अजीज के पास पैगाम लेकर जा रहा हूं। मगर हम पहुंचेंगे कब? पहुंच जाओगे इंशाल्लाह। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम ने हिजरत के मौके पर अपने सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ एक गार में पनाह ली। दुश्मन उनके ताकुब में था,
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فکر لاحق ہوئی. پیغمبر نے فرمایا، ابو بکر پریشان مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور غار کے منہ پر مکڑی نے جال بن دیا. دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو سفر میں اپنے ساتھ مددگار بنایا ہے یا نہیں. اگر ہاں تو ہر منزل آسان ہو جائے گی، اور اگر نہیں تو شیطان ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. آ گیا شیطان. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.